फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C61 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में आने वाली एड्स को आप ना कैसे बंद कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ना सबसे पहले तो अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग के इस पेज में आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है गूगल का, गूगल का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। तो आपका एक गूगल का पेज आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये पेज आता है, मैं आपको आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपका ये पेज आएगा ना गूगल का, इसमें आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है मैनेज योर गूगल अकाउंट, इसे आपको टैप कर लेना है। अब आपका ये वाला पेज आएगा, इस पेज में आपको नीचे लाइन होती है, इस लाइन को आप ना उंगली से दबा के आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस लाइन में आपको ये ऑप्शन मिलता है डेटा एंड प्राइवेसी का, डेटा एंड प्राइवेसी पे आपको टैप कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से तो आपका ये पेज आएगा, इस पेज में आपको नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिलता है पर्सनलाइज एड्स, इसके ठीक नीचे आपको ये माई एड सेंटर का ये ऑप्शन आपको टैप कर लेना है। तो आपका ये वाला पेज आएगा एक और, ठीक है ना। अब देखिए, इस वाले पेज में आपका ये सबसे ऊपर ये पर्सनलाइज एड्स के सामने ऑन लिखा हुआ है। तो ये सेटिंग हमारे फोन में चालू रहती है, जिसके कारण हमारे मोबाइल फोन में ऐड जो है आती रहती है। तो आपको करना क्या है, ये पर्सनलाइज एड के सामने जो ऑन लिखा हुआ है, ऑन पे आपको टैप करना है। तो आपका इस तरीके से पेज आएगा, इसमें आपको नीचे टर्न ऑफ का ये बटन आपको टैप करना है, ठीक है। तो आपका एक और पेज आएगा इस तरीके का, इसमें आपको नीचे गॉट इट का ये ऑप्शन आपको जरूर टैप करना है। तो आपका ये जो है ना पर्सनलाइज एड के सामने ऑफ लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सेटिंग आप बंद कर देंगे तो आपके फोन पे कोई भी ऐड नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है ना अपने मोबाइल फोन पे आने वाली एड्स को आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं, ठीक है।